नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है तो देखेंगे। एक तरफ आपने भेड़ लिखा और एक तरफ गड़रिया। अब ध्यान से सुनना, भेड़ के जो सिर मान लो, इसकी हम सिरों की संख्या मान ली मैंने x, इसमें सिरों की संख्या कितनी मैंने मान ली y, दोनों को जोड़ेंगे सिर यहां पर आ जाएंगे। लेकिन इसके जो पैरों की संख्या तो हो जाएगी 4x, ये समझ में आ गया। और इसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2y, लेकिन ये कितने दे रखे हैं 16। लेकिन वो ये कह रहा है कि सिरों की संख्या से इसमें कितने देखे 10 ज्यादा है, तो जब इसमें 10 ज्यादा है तो इसमें से 10 कम करेंगे तो यहां पर कितनी आ जाएगी 6 तो आ जाएगी। यानी जो पैरों की संख्या है वो सिर की संख्या से 10 ज्यादा है। यानी पैर कितने रहे होंगे, वो सिर कितने रहे होंगे 6, सिर 6 रहे होंगे, तो ये संख्या इसकी 6 आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, ये 2y है, इसको भी 2y बना देना है। 2y बना दोगे, बना दोगे 2y, तो 2y बनाओगे तो देखो ये तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y और ये बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यही की यही घटा दो, ये कट गया, यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा कितना, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, लो हो गया आंसर। क्लियर, नोट कर लो। एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए, एक तरफ आप लिखोगे चूहे और एक तरफ आपने लिखे कबूतर, बात समझ में आई। यहां पर आप क्या लिखोगे सिर, ठीक है, यहां क्या लिखोगे सिर, और एक तरफ आप क्या लिख लोगे पैर। अब जैसे इसको मैंने अगर सिर को x माना है तो इसके सिर कितने होंगे y, अब इनके सिरों की संख्या कितनी बताई है 90, सिरों की संख्या कितनी है 90 और पैरों की संख्या, अब देखो चूहे के पैर कितने होते हैं 4, तो ये तो 4x हो जाएगा। लेकिन कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2y, तो टोटल कितने दे रखे हैं 224, यही तो दे रखे हैं पैरों की संख्या। यानी ये इसके पैर हो गए, चूहे के पैर ये हो गए और कबूतर के पैर हो गए, ठीक है। अब आपको पूछे कबूतर के, इसके पूछे हैं तो इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 4 का, कितना करना पड़ेगा 4 का, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x और इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 4y और ये कितना हो जाएगा 360, बात समझ में आ गई। हमने माइनस कर दिया, ये खत्म हो गया, यहां से माइनस के 2y बचा और यहां से माइनस के बचेंगे 10 में से 4 गया 6 बचा और यहां से कितने बचेंगे 136, माइनस से माइनस काट देंगे और ये 2 से काट देंगे, ठीक है, तो y बराबर कितने बचेंगे 2 छक्के 12, 2 8 16, यानी कितने चूहे हैं कबूतर है, कितने कबूतर है 68, ठीक है, कर सकते हो। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। एक तरफ मुर्गी, एक तरफ गाय, एक तरफ आप लिख लोगे मुर्गी और एक तरफ आप क्या लिख लोगे गाय, ठीक है। मुर्गियां ये पता होना चाहिए, ये दे रखा है 48, मस्तकों की संख्या दे रखी है 48 और पैरों की संख्या 2x प्लस के 4y, ये दे रखा है 140, बात समझ में आ रही है। अब इसमें गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4x प्लस के कितना हो जाएगा 4y बराबर 8 चौके 32 हासिल, 3 4 चौके 16, 3 19, ठीक है। अब घटा दोगे खत्म, यहां से माइनस के 2x, यहां से घटाओगे तो ये 2 बचा, 9 में से ये 5 माइनस के 52, तो 26 दूरी, यही आंसर। तो यानी मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26, क्लियर, समझ में आ गया।
भैंसों तथा बतकों के एक समूह में स्रों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? करा आपने, एक तरफ आप क्या लिख लोगे भैंस और एक तरफ क्या लिख लोगे भैंस के और क्या है बतक। ठीक, और अब इसके सिर मैंने एक्स माने, इसके सिर माने मैंने बाई। अगर इनकी पैर की बात करूं तो ये 4x होंगे और इसके हो जाएंगे 2y, जो को बतक के दो पैर होते हैं। अब सुनने वाली बात क्या है मालूम है कि वो ये कह रहा है कि अगर इनके पैरों की संख्या को कितना करें, दो गुना करें, तो भी ये जो पैर हैं वो कितने ज्यादा हैं, 24 अधिक हैं, यानी इसमें से घटाएं, इसमें से इतने मान को घटाएं तो भी 24 क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस के 2y, ध्यान से देखना, इसमें 2 का गुणा करोगे 2x, इसमें 2 का गुणा करोगे 2y, तो भी कितने ज्यादा है, 24। बात समझ में आ रही है, 2y से 2y खत्म हो गया, 4x में से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा, बराबर 24, तो x बराबर कितना हो गया। पूछी किसकी संख्या है, किसकी संख्या पूछी है, तो कितनी संख्या निकल के आ गई, तो भैंसों की संख्या है 12। नोट कर लो फटाफट, एक चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है, चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? तो देखेंगे यहां पर पेंगुइन और भालू, चिड़ियाघर में दो प्रकार के जानवर की संख्या की बात करी है उसने, पेंगुइन और भालू। तो पेंगुइन सिर की संख्या तो देखो समान रहती है, किसी के दो सिर तो होते नहीं है, सिर की संख्या समान रहेगी, लेकिन सिर की संख्या कितनी दे रखी है, 60। सिर की संख्या कितनी दे रखी है, 60। पेंगुइन एक पक्षी होता है, क्या होता है, तो इसके पैर कितने रहे होंगे, 2, और भालू के कितने पैर रहे होंगे, 4। ठीक है, टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 160। क्लियर, अब आपको क्या करना है, पूछी किसकी संख्या है, भालू की, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तो इसको यहां पर 2x है, तो यहां पे भी कितना करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, यानी मुझे इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, यानी 2x प्लस के 2y बराबर 120, 60 दूनी 120, घटा दो, तो जैसे ही आपने इसको घटाया ये तो खत्म, और इसमें से कितना बचेगा, 2y बराबर यहां से कितना बचेगा, 40, यानी y बराबर कितना आ गया, भालुओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, 20, यानी चिड़ियाघर में भालू कितने हैं, 20 है। बात समझ में आ गई, अब मुझे बताओ सवाल कोई अलग लग रहा है आपको, सारे सवाल इसी तरह से कर लोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदानुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए। तो कोई संख्या, ध्यान से समझो सवाल को, जैसे मैंने कोई संख्या मानी x, कितनी मानी मैंने, कोई संख्या x मानी, उसने क्या बोला कि आपको इसको 6 से विभाजित करना है, क्या करना है, 6 से विभाजित करना है और इसमें 12 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो संख्या में मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया और उसे 6 से विभाजित कर दिया, तब जाकर के उसे उत्तर कितना मिला है, 112 मिला है। तो पहले हम x का मान निकालेंगे, याद रख देंगे, तो सही, ये सही है, ये उत्तर कैसा है, सही, लेकिन ये उत्तर कैसा आ रहा है, गलत आ रहा है, ये कैसा उत्तर आ रहा है, गलत, तो इसको अब हम हल कर सकते हैं, हल कर लो, 6 का गुणा कर लो इधर, 6 × 12 11 × 66 और 66 और 1 67 कितना हो गया, 672, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 660, यानी संख्या कितनी आ रही है हमारी, 660, लेकिन हमें सही उत्तर चाहिए। अगर वो संख्या पूछता कि बताओ संख्या क्या है, तो संख्या आपकी कितनी हो जाती, 660,
लेकिन उसने सही उत्तर पूछा है। सही उत्तर के लिए आपको क्या करना है, एक्स की अपने 660 रखो, 6 से डिवाइड करो और 12 क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110, और 12 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। यही आंसर है, सही उत्तर का 122 आना चाहिए था, जबकि उसके उत्तर गलत उत्तर कितना आया था, 112 प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट कर लो, 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है, 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदानुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5A7 में कितना जोड़ रहे हैं हम, 335। ठीक है, इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा, 8B2 आना चाहिए। जब उसने यह बोला है कि 8B2 ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, आप देखिए 7 को 5 में जोड़ा कितना हो गया, 12, हासिल कितनी आ गई, 1। अब A का तो आपको मान पता नहीं है, यानी इस A का मान मुझे नहीं मालूम, विकल्प क्या दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं 8, 8, 2, 1, 4, ये विकल्प देने। अब सोचिए अपने दिमाग से, अगर मैं यहां पर पहले मैं 8 रखता हूं, 8 में यहां रखता हूं, तो खुद देखिए ये कितना हो जाएगा, 9, 9, 3, 12, 12 की यहां पर कितनी आ जाएगी, 2, 2। अब हासिल 1 बचेगी, अब 1 बचेगी तो 6 और 3 कितना, 9, जबकि यहां पर कितना आना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने 2 रख के देखा, यहां 2 रखोगे और हासिल 3 और 3, 6, 6 यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 14, जबकि 14 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 1 रखने पर देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 और 2, 3, 5, 5 यहां रख देंगे हम, ठीक है, 5 और ये 15 हो जाएगा, 15 तो विभाजित है और लेकिन हासिल आ रही है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो 4 रख के देखते हैं एक बार, है ना, तो हमने यहां पर 4 रखा, तो 4 1 5 और 5 और 3 8 हो गया, 8 हो गया और हासिल कोई नहीं, यानी ये आ गया। अब ये देखो, अब इसको ये और चेक करना है कि ये विभाजित 3 से है कि नहीं है, 3 से विभाजित के लिए मैंने क्या बताया था, इन अंकों को जोड़ लो, 8 8 16 2 18, 18 किससे विभाजित है, 3 से, इसलिए A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 4। अगर आपसे पूछता कि B का मान कितना होगा, तो B का मान कितना आ गया, 8, जबकि हमें पूछा A का मान, तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा, 4। ठीक, नोट कर लो फटाफट, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदानुसार तीसरी संख्या क्या है। तो देखेंगे सवाल, देखो भाई ये दिया है 42 और ये दिया है 56 और ये दिया है देखो पहली और दूसरी का गुणनफल और ये दिया है दूसरी और तीसरी का गुणनफल और ये पहली और तीसरी का गुणनफल। अब ध्यान से सुनना, ये दिया है 48। अब ध्यान से सुनना, जब कभी लगातार संख्याएं होती हैं तो उनके बीच का अंतर मिनिमम होता है, क्या होता है, तो इसके हम गुणनखंड ऐसे करो जिसका बीच का जो अंतर है वो मिनिमम आ जाए। तो हम अगर फैक्टर करेंगे तो ये कहेंगे 6 7 42, इनके गुणनखंड करेंगे तो उसका बीच का अंतर मिनिमम हो गया, 1 हो गया, दूसरा 7 8 इनमें भी मिनिमम 1 अंतर हो गया, तीसरा 6 8 48, अब 12 4 48 में तो ज्यादा अंतर हो जाएगा ना, 6 8 48। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये तो पहली संख्या हो गई, इन दोनों को देखो ये कौन सी संख्या निकल के आ गई, दूसरी, और इसको देखो ये कौन सी निकल के आ गई, तीसरी, दिख रही है आपको, तीसरी, यानी उसने पूछा तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, यानी तीनों संख्या अगर बात करें तो 6 7 8 है, ठीक है, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 7, यानी तीसरी संख्या हमारे पास कितनी, 8। ठीक है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। किसी मूल संख्या देखो, मानी हमने x, इसमें हमने इसका 2 से गुणा किया,
और ये जो हमें परिणाम मिला इसमें हमने क्या जोड़ा, 16। अब इस पूरे को हमने किससे डिवाइड किया, हमने 2 से, क्योंकि मूल संख्या हमने कितनी मांगी मानी है, मूल संख्या हमने मानी है x, तो इसी को घटा दो इसमें से। ठीक है, फिर कुछ बोला है उसने? हाँ, क्या बोला है? तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा बताते हैं, शेषफल क्या होगा, तो इसे हल करूं। देखिए आपने 2 का गुणा किया इसमें से, तो 2x प्लस के 16, ठीक है, बटे 2, यहां पर क्या मान लोगे 1, तो ये हो गया 2x प्लस के 16 और माइनस के 2x, इससे 2x से 2x, तो 16 में हम 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 8, तो कितना बच रहा है 8, यही आंसर है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बेहतर है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, तो संख्याएं चुनिए, लिख लो। पहला विकल्प है 40 और 112, दूसरा विकल्प दिया है 24, 96, तीसरा विकल्प दिया है 32, 128 और 30, 102। ये 4 विकल्प है हमारे। उसने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर बेहतर है और एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर 4 भागफल प्राप्त, भाज्यफल यानी भागफल, तो दोनों का अंतर देख लो भाई। अब आपको यह चीज देखना है कि 4 का इसमें भाग नहीं जा सकता, पॉइंट में चला जाएगा, देख रहे हो, 40 का इसमें डिवाइड करोगे 112 में तो भाग नहीं जा रहा है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, बेहतर आ रहा चाहिए, यानी इनका भी बेहतर अंतर आ रहा है, देख लो आ रहा है अंतर बेहतर। अब मैं 112 में 40 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में संख्या जाएगी, ठीक है। देखो 112 को अगर मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 0 से पॉइंट लग जाएगा, लगे नहीं लगेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखेंगे, अंतर तो इनका देखो 2 और 72 का है, और 24 चौका 96, यानी जब 96 में 24 का डिवाइड कर रहा हूं तो 4 बार, तो यही आंसर है, फिर क्यों टेंशन है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है तो संख्या क्या है। देखिए मान लो संख्या आपको पता नहीं है, तो संख्या आपने मान ली x, संख्या मान लो या कोई भी मान सकते हो, कोई भी नंबर x माना, ये संख्या है। उसने बोला है कि अगर इस संख्या में हम कितना गुणा कर दें, 2 गुणा कर दें और इसमें 20 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए, तो वही संख्या, ये कोई संख्या प्राप्त हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर उसी संख्या में कितने का गुणा करें, 8 से गुणा करके और 4 घटा दें तो वही संख्या प्राप्त, जो ये संख्या प्राप्त हो वो ये प्राप्त हो रही है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बराबर, जो संख्या ये प्राप्त हो रही है वही संख्या ये प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बस इसको आप हल कर सकते हो, ये 2x है और ये 8x है, इसे इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 6x, और 4 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, 4 6 24, यानी x बराबर कितना आ गया, 4, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इससे आगे कराएंगे कल।